अगर आप सफलता चाहते हो ना, तो सफलता आपके अंदर है। Who is doesn't a man who doesn't want to success? Who is such a man as doesn't want to success? लेकिन किसी चीज को फ्लाई करने के लिए 212 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और आप भी जिंदगी में सफल हो सकते हो, बस एक राज है। एक कुकर को चाहता हूं कि हवा में तैरे, वो खजाना जिससे आप सफल हो सकते हो। लड़का बोला कि गुरुजी मैं तो सफल होने आया था, आप ये क्या समझा रहे हो मुझे। समुद्र की गहराइयों में ढूंढा, आकाश की ऊंचाइयों में ढूंढा, पहाड़ की टॉप पे ढूंढा, हर जगह ढूंढा, आखिर सफलता का रहस्य क्या है? क्या आप जानना चाहते हैं सफलता का क्या, आखिर वो कौन सा काम करूं कि जिंदगी में सफल हो जाऊं? ऐसा क्या करूं कि जिस काम को हाथ में लूं सफलता हाथ लगे? एक बार एक लड़का बहुत परेशान था, आइंस्टीन के पास गया, बोला गुरुजी मैं सफल होना चाहता हूं। आइंस्टीन के पास गया, बोला मैं सफलता का मंत्र जानना चाहता हूं कि आप इतने सफल हैं, आपका कोई ना कोई तो मंत्र रहा होगा। आइंस्टाइन ने कहा कि कल आना, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूं। आइंस्टाइन जो है कल उस बच्चे को बुलाया सफलता का वो राज देने के लिए। आपको बताता हूं सफलता का राज क्या है, आप सुनो। और आप भी जिंदगी में सफल हो सकते हो, बस एक राज है, एक राज है, दिल थाम के सुनो, वो राज है क्या? सफलता का राज जाने के लड़का नहा धोवा के पूजा पाठ में गया कि आज मुझे सफल हो जाना है, और वो चला आइंस्टाइन के पास सफल होने के लिए। अगले दिन पहुंचता है तो आइंस्टाइन क्या करते हैं, एक दीपक की लौ में कुछ काम कर रहे थे और ऊपर एक कुकर, प्रेशर कुकर आप देखे होंगे, प्रेशर को चढ़ा करके उसमें एक लौ जलाए हुए थे। अब लड़का पूछा, बोला गुरुजी आइंस्टाइन जी मैं आ गया हूँ, मैं सफलता का रहस्य जानने के लिए आ गया हूँ। आइंस्टाइन ने कहा मेरी मदद करो, मैं चाहता हूँ कि एक कुकर को हवा में तैराना चाहता हूँ, एक कुकर को चाहता हूँ कि हवा में तैरे, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, हवा में तैराना चाहता हूं। लड़का बड़ा सन रहा, बोला कि आप इसको हवा में तैरना चाहते हैं तो आपकी जो दीपक की लौ है ना, इस लौ को तेज करना पड़ेगा। जब तक ये लौ तेज नहीं होगा, जब तक ये प्रेशर तेज नहीं होगा, जब तक पानी खोलेगा नहीं तो भाप बनेगा कैसे, और जब तक भाप बनेगा नहीं तो उड़ेगा कैसे? वो लड़का समझा रहा था आइंस्टाइन को, ये दीपक की लौ से खोलने में बहुत समय लगेगा, खोलेगा ही नहीं। तो उसने कहा कि लौ तेज करता हूं, उन्होंने स्टॉप जला दी, लौ को तेज कर दिया, लौ तेज कर दिया। अब जो है कुकर से बड़बड़ की आवाज आ गई, जैसे होता है ना गैस पूरा खोलता है पानी, लेकिन वो कुकर ऐसे हिल रहा था लेकिन वो उड़ नहीं रहा था। लड़का बोला कि गुरुजी मैं तो सफल होने आया था, आप ये क्या समझा रहे हो मुझे, ये जल्दी से उड़ाओ, मुझे सफलता का राज बताओ। हुआ क्या, आइंस्टाइन ने कहा जब तक उड़ाओगे नहीं सफलता का राज बताऊंगा नहीं। उसने कहा कि तब एक काम करते हैं, प्रेशर और तेज करते। प्रेशर को और तेज किया गया, जब प्रेशर और तेज किया गया, आग और तेज किया गया, तो आप कहते हैं ना दीपक की लौ का टेम्परेचर बहुत कम होता है, स्टॉप का टेम्परेचर का और ज्यादा होता है, 100 डिग्री पानी खोल गया, लेकिन किसी चीज को फ्लाई करने के लिए 212 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। उसने क्या करा, लड़के ने कहा गुरुजी 212 डिग्री डालो, वो 212 पे खोलाया गया। अब कुकर का क्या था, वो फटता या उड़ता तो कुकर हवा में उड़ करके तैरने लगा। यानी कि जैसे ही मनुष्य इस दुनिया में तीन तरह के होते हैं, आइंस्टाइन उस बच्चे को समझाना चाहता था। आइंस्टाइन ने कहा इस दुनिया में तीन तरह के लोग होते हैं, सफलता पाना इस दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है। Who is doesn't a man who doesn't want to success? Who is that a man as doesn't want to success? दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो सफल होना नहीं चाहता है? सफलता हर कोई चाहता है, लेकिन तीन तरह के मनुष्य होते हैं। पहला जो दीपक की लौ की तरह चाहते हैं, जिनका सफलता कभी पूरा नहीं होता। दूसरा वो पानी की तरह खोलते रहते हैं, जो कि खोल तो जाते हैं, हो सकता है धोखे में उड़ जाएं,
लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाते। और तीसरा, जिनको 212 पे खोल रहे हैं, अंदर से उनको चाहने की जबरदस्त इच्छा है, वो हर तरफ अपनी सफलता ढूंढ रहे हैं, अच्छा गुरु मिल गया है, अच्छा कोच मिल गया है, अच्छा रास्ता दिख गया है, और वो जिंदगी में सफल हो जाते हैं जिनके पास 212 डिग्री तक खोलने की इच्छा हो, जो दिन रात सोते जागते उठते जागते उनके पास एक ही सपना है, सफलता, और उसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं और वहाँ में तैरना शुरू कर देते हैं, उसी को सफलता कहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हो ना, तो सफलता आपके अंदर है, आपकी कितनी इच्छा शक्ति है उसी पे डिपेंड करता है कि आपका कोच कैसा है, आप डिसीजन क्या लेते हो। आप एक कोर्स करने में 50 बार सोचते हो या फिर कुछ भी कर गुजरने के लिए आगे चल निकलते हो, आप कैसे सोचते हो अपने आप को, आप लेते कैसे अपने आप को, हल्के में लेते हो, तेज लेते हो, या फिर उस तूफान की तरह लेते हो कि मैं कुछ भी करने आया हूँ, मैं इस दुनिया में जीने नहीं, सब कुछ प्राप्त करने आया हूँ। तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान रहो सफलता कहीं मत ढूंढो, सफलता तुम्हें अंदर है, तुम्हारे अंदर है, उठो और खुद को प्राप्त कर लो, तुम सफल हो जाओ। जो चाहोगे सो मिलेगा, जो चाहोगे सो मिलेगा, सो पाओगे। सफलता का यही रहस्य है और एकमात्र रहस्य है कि आपके अंदर छुपी है वो खजाना जिससे आप सफल हो सकते हो, और खजाने का नाम है सीक्रेट ऑफ थिंकिंग, सीक्रेट ऑफ जॉय। आप कोई भी चीज़ है, सफलता का क्या रहस्य है, आप उल्लास का, खुशी का, हेल्थ का, नौकरी का, आपके अंदर वो चीज़ है, कितने डेडिकेशन से चाह रहे हो किसी को और डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हो, उसी के लिए आपका कौन सा स्टेप सफलता की तरफ ले जाएगा ये आपके विचार पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप जो विचार करोगे, सोचोगे, वैसे आपकी आदत होगी और आदत ही आपके भविष्य का निर्माण करेगा। और एक एक दिन, आज का दिन आपके पास है, तो आज आप सफल होने के लिए क्या किए, कल क्या करोगे, परसों क्या करोगे, हर दिन का प्लान बनाइए, रात में चेक करिए, कल का प्लान बनाइए, रात में चेक करिए कि आपने किया क्या, सपने बड़े देखो, उस सपने को प्राप्त करने के लिए आज कितने कदम बढ़ाते हो और उस सपने के कारण क्या हो सकते हैं, आपके हर सपने साकार हो जाएंगे।